मांधर ढोल और नगाड़ा बजाते आदिवासी पुरुष, पारंपरिक परिधानों में सजी धजी मस्त मगन होकर नाचती आदिवासी बालाएं, प्रकृति के बीच झूमते गाते हजारों लोग और उनके बीच खिलखिलाती विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा। नजारा खूंटी जिला के माहिल बगीचा का है, मौका है सरहुल महोत्सव का। प्रकृति और आदिवासियों के बीच परस्पर प्रेम, समर्पण और सह अस्तित्व को दर्शाता महापर्व सरहुल। माहिल बगीचा के इसी लोकप्रिय सरहुल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे नीलकंठ सिंह मुंडा। सरहुल मिलन समारोह आयोजन समिति ने माहिल बगीचा में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया था। समारोह में करीब 20,000 लोग पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पहुंचे। कर्रा, मुरहू और खूंटी के आदिवासी इस समारोह की जान बने। उल्लास ऐसा मानो प्रकृति से अपने इश्क का इजहार करने पहुंचे। समा ऐसी कि लगा प्रकृति ने भी इन भोले भाले आदिवासियों का प्रेम निवेदन स्वीकार कर लिया। झूमते गाते आदिवासी महिला और पुरुषों के साथ प्रकृति भी झूम रही थी। इन झूमते गाते लोगों को ना तो चिलचिलाती गर्मी की चिंता थी और ना ही उड़ती धूल की परवाह। अब जिनका प्रकृति के साथ जन्मों का रिश्ता, धूप में मेहनत से निकलता पसीना और उस पर चिपकी धूल जिन आदिवासियों की पवित्र पहचान हो, वे भला कहाँ ये सब सोचते हैं। वे तो बस मस्ती में झूमते हैं, गाते हैं, अपनी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों का जश्न मनाते हैं। जब नीलकंठ सिंह मुंडा यहाँ पहुँचे तो महिलाओं ने सम्मान में उनके पाँव पखारे, माला पहनाई। स्वागत से अभिभूत नीलकंठ मुंडा खुद को रोक नहीं सके और मांदर पर हाथ आजमाया। यहाँ आम और खास का ध्यान न करके खूब झूमे नाचे। यही तो खूबसूरती है प्रकृति की, प्रकृति पर्व सरहुल की और इन आदिवासियों की। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई खास या आम नहीं होता, यहाँ सब दोस्त होते हैं। पेड़, नदियाँ, आकाश, धूप, संस्कृति, रीति रिवाज और ये सरहुल। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in